जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एपीएस के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आशिक खान। आज हम इस वक्त रात का टाइम है, 9 बजे का टाइम है और हम देखते हैं कि अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर रात के वक्त कैसा माहौल है। ये बिल्कुल मेन शरकपुर रोड है और मेरे सामने आप ये अलनूर ऑर्चर्ड की एंट्रेंस देख सकते हैं। हम आज इसका जो बी ब्लॉक है उसके एंड तक जाएंगे क्योंकि बी ब्लॉक के अंदर ज़्यादा घर बने हुए हैं। हम देखेंगे कि रात टाइम वहाँ पे रोशनी वगैरह कोई है गलियों में या नहीं है। जी तो हम ये अंदर एंटर हो रहे हैं, ये मेन बुलेवार्ड है। हमेशा की तरह हम यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसका सेक्टर बी है, लेफ्ट हैंड पे 210 फुट का ये मेन बुलेवार्ड है। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि अलनूर ऑर्चर्ड की जो लोकेशन है ये मेन शरकपुर रोड के ऊपर वाक़ है। फैज़पुर इंटरचेंज से तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव है टवर्ड जरावाला रोड। अलनूर ऑर्चर्ड एक LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसमें 5 ब्लॉक हैं, ABCD और वेस्ट मरीना। ABCD फुली सेल आउट है और इसका जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है उसमें इस वक्त फ्रेश बुकिंग हो रही है। वेस्ट मरीना ब्लॉक की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक बनने जा रही है और उसके अलावा यहाँ पे 3 मरला की कटिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये एक पार्किंग है और सामने ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये टावर है और यहाँ से जो है ये बी ब्लॉक शुरू हो जाता है। वेस्ट मरीना की बात कर रहे थे कि वहाँ पे 3, 5, 10, 20 और 40 मरला के रहायशी प्लॉट्स हैं जो कि 5 साल की आसान इकसात के ऊपर हैं। ये इस वक्त हम बी ब्लॉक के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त है। उसके अलावा रोड तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे कारपेट हो चुके हैं। ये कुछ घर जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन जो घर बन चुके हैं वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ये रोड कारपेट हो चुके हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पे बिजली पानी गैस है। अगर बी ब्लॉक के अंदर आप प्लॉट की बात करते हैं तो 5 मरले के प्लॉट की एवरेज प्राइस जो हैं वो 30 लाख प्लस माइनस है और 10 मरला के प्लॉट जो है वो 55 लाख प्लस माइनस के अंदर मिल जाता है। ऑन ग्राउंड प्लॉट है जहाँ पे आप घर प्लॉट लेके फौरी अपना घर बना सकते हैं। अलनूर ऑर्चर्ड के अलावा शरकपुर रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कल राजी गार्डन है, उसके अलावा अल रहमान गार्डन है, उसका फेज़ 2 है, फेज़ 7 है और ओमेगा रेजिडेंशिया है, अल जलील गार्डन है। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 0300-111-2613 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और साइट पे नज़र आने वाले सोशल मीडियाज़ पे हमें ज़रूर फॉलो कर लें। YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और TikTok के ऊपर, सब सोशल मीडियाज़ के ऊपर आशर प्रॉपर्टी सर्विसेज के नाम से हमारा अकाउंट है जिस पे हम डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। ये विलास हैं जो कंपनी ने बना के दिए थे, 3.5 मरला के विलास। ये कॉर्पोरेट ऑफिस की बैक साइड है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी रोशनी है, अंधेरा वगैरह यहाँ पे नहीं है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। यहाँ से हम अब होते हुए मेन बुलेवार्ड की तरफ जाएंगे। ये एक पार्क भी है जो सेक्टर बी का पार्क है। सेक्टर बी में 3 पार्क है, एक ये वाला पार्क, एक जो आपको मिलता है विलास के बिल्कुल सामने और तीसरा पार्क एंड पे। ये हम इस वक्त राउंड अबाउट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है। अगर आप रहमान गार्डन फेज़ 7 का लेटेस्ट विज़िट करना चाहते हैं तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।
अगर आप ऐसे गार्डन्स का विज़िट करना चाहते हैं तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अल जलील गार्डन का विज़िट करना चाहते हैं तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड है, कमर्शियल प्लाजा भी बनने शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।